नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कतर देश से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। भारत और कतर के बीच की यह खबर है। खबर यह है कि कतर और भारत ने 20 साल के लिए एलएनजी गैस के लिए एक समझौता किया है। उससे भारत को $6 बिलियन की बचत होगी। यह बचत अगले 20 सालों में होगी। आइए दोस्तों इस खबर को विस्तार से समझते हैं कि ये खबर है क्या। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि भारत और कतर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। वो एग्रीमेंट हुआ है एलएनजी गैस को ख़रीदने को लेकर के, और ये जो एग्रीमेंट है ये 20 सालों के लिए हुआ है। तो भारत कतर से ये एलएनजी गैस 20 सालों तक ख़रीदता रहेगा, और इसकी जो प्राइस है, आज इसका जो प्राइस है उससे भी सस्ते रेट पर हमें अगले 20 सालों तक कतर हमें एलएनजी गैस देता रहेगा। इससे $6 बिलियन की अपने को बचत होगी, और इसकी जो कीमत होगी अगले 20 सालों में, ये दरअसल हम $78 बिलियन की चीज़ों को ख़रीदेंगे, और जिसकी पूरी कीमत होगी $84 बिलियन। तो हमें $84 बिलियन की चीज़ $78 बिलियन में मिल जाएगी अगले 20 सालों में। अब एलएनजी गैस का हमें फ़ायदा क्या होता है? दरअसल ये बहुत ही अच्छी गैस होती है। इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ कोयले का यूज सबसे ज़्यादा होता है, और कोयले के यूज करने की वजह से हमारा जो प्रदूषण का मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एलएनजी में इससे हमें एक फ़ायदा मिलेगा कि इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। दूसरा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें सस्ता भी ये पड़ जाएगा। और तीसरा फ़ायदा ये कि जो अरब नेशन है उसमें सबसे कम फ्रेंडली कंट्री कतर था। भारत की उतनी अच्छी दोस्ती कतर के साथ नहीं थी। ये कंपैरिजन अगर करें तो ये पाकिस्तान के ज़्यादा करीब था ये कतर। पर इस डील ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। कतर अब भारत का बहुत ही अच्छा मित्र मुल्क बन गया है। ये इतनी बड़ी डील है। अब आपको बता दें कि ये जो $6 बिलियन भारत को बचेंगे, अगर इसको रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो ये समझ लीजिए कि कम से कम ये 70,000 करोड़ रुपए की बचत है। मित्रों, ये 17,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। अब ये डील हो गई है तो इससे ये समझ लीजिए कि अमेरिका, चीन समेत कई देश परेशान हो गए हैं कि इतनी बड़ी डील ये हो कैसे गई। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि भारत की जो विदेश नीति है ये बहुत ही अच्छी है, और अपना ये जो विदेश मंत्री हैं इसमें इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है इसको कराने के लिए। मित्रों, इससे ये तो खैर समझ में आता है कि भारत की कहीं ना कहीं विश्व में अपनी एक छवि भी बहुत अच्छी हो गई, और एक साख बनती चली जा रही है कि भारत जो चाहता है अपने जो फ्रेंडली कंट्री नहीं भी हैं उनसे भी अपना काम करवा लेता है। इससे भारत अपनी ऊर्जा की जो भी ज़रूरतें हैं उसे भी कंप्लीट कर लेगा। इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। अभी ये हमने कतर के साथ एग्रीमेंट किया, इसके दूसरे जो अरब देश हैं और भी उससे रिलेटेड जो भी कंट्रीज़ हैं जो हमें ऊर्जा की चीज़ें प्रदान करते हैं उनके बीच में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, और हमें और भी आगे अच्छे से एग्रीमेंट कुछ देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, अगर इससे कुछ और जो मिलती जुलती खबर या कुछ अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।